मेरे ख्याल से जन्मदिवस मनाना जो है जिंदगी को पीछे मुड़कर देखने के लिए एक बहाना है, एक अवसर है। One of the finest and outstanding artists in the field of music, violin virtuoso Padma Bhushan, Dr. Srimati N. Rajam, needs no introduction. She is the living legend whose name is synonymous with the violin. Not many would know that this great personality had a very humble beginning. She was born into a traditional family of musicians to her parents, Vidwan Sri A. Narayana Iyer and Srimati Amini Amal. Her father, a veena and violin player, was a great visionary. He believed in teaching music early. Ours has been a family of musicians. For generations, there was music in the family. But this is perhaps the ninth generation, my granddaughter's generation. The first 3 years and the beginning of a life in music. The formative years of a child are crucial in establishing a solid foundation in the art of music. Rajam was blessed with an ideal cultural environment, which enabled her extraordinary musical achievement. My father was a violinist. He used to sing also. He used to play on the veena also. And मैं कह रही थी हमारे फैमिली का tradition, जैसा ही बच्चा 3 साल का हो जाता है, तो वायलिन पकड़ा देते हैं। तो मुझे भी, मैं जब 3 साल की थी, वायलिन दे दिया गया था। उसके पहले की बात ये है कि when I was just a toddler, 18 महीना इस तरह की बात रही होगी, तो मैं किचन में जा कर के ये सर्विंग स्पून्स है या तो ड्रमस्टिक है, इस तरह की चीज़ों को ले आ करके एक को वायलिन के रूप में से दूसरे को वो करके आवाज़ नहीं निकलती थी तो क्या करें, तो मैं गाती थी और दैट यूज़ टू बी माई वायलिन। तो क्योंकि पिताजी कई लोगों को वायलिन सिखाते थे और मेरे बड़े भाई जिनके बारे में आप जानते ही हैं, टी एन कृष्णन, तो और सभी भाई लोग बजाते, मुझसे बड़े 3 भाई लोग हैं तो सभी बजाते थे, फादर के स्टूडेंट्स बजाते थे, वो बराबर देखती थी। और वो लोग जब बजाते थे, क्लास जब चलता था, तो आई यूज टू सिट वेरी क्वाइटली एंड देन एब्सॉर्ब थिंग्स। तो दैट वाज माय फर्स्ट एसोसिएशन विद म्यूजिक, कहना चाहिए। एट द एज ऑफ 3, हर फादर बिगन हर इंटेंसिव फॉर्मल ट्रेनिंग। हर फादर हैड एन अनकैनी नैक एंड एबिलिटी टू ट्रेन यंग चिल्ड्रन, bringing out their unique potential in their early years. He was a very, very strict teacher. Pitaji ne hum sab logon ko violin se hi shuru kiya tha. 9 saal ke umar tak itna kathor training tha. When I reached the age of 9, radio audition ke liye mujhe pitaji ne kaha baith jao. To un dino mein, aajkal jo restriction hai 15 saal का कम से कम होना चाहिए, दैट वॉज नॉट देयर। घर में हमेशा संगीत का ही वातावरण, मेनी स्टूडेंट्स दे यूज टू कीप ऑन कमिंग ऑल द टाइम, देयर वॉज नथिंग बट म्यूजिक इन द हाउस। मदर जो है बेचारी, जब हम लोगों से रियाज करवाते थे पिताजी, तो कभी कभी उनसे कहती हैं, बच्चों को इतना आप क्यों काम देते हैं, इतना क्यों तंग करते हैं बच्चों। पिताजी ऐसा मैंने कहा ना, बहुत ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। रियाज करवाते थे कैसे, वो एक शुरू के एक्सरसाइजेस होते हैं, अलंकार होते हैं, वो बजाना है 100 बार, बजाना है 200 बार, जो भी है। तो वो ही यूज़ टू कीप काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स वी हैव प्लेड करके, तो एक हाथ से 10 का काउंट, एक हाथ से यूनिट का काउंट। तो मान लीजिए 50 55 हो गया है, तो ये 10 वाले जिसमें 10 का काउंट रखते थे, उसके फटाक से उसको 3 में ले आएंगे। और बहुत साल तक हम लोग को समझ में नहीं, मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आता था 3 साल के उम्र में उस, फिर जाकर के 2-3 साल के बाद व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंड, देन आई सेड यू आर चीटिंग। इन अर्लियर इयर्स इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्थोडॉक्स। Rajam's family was very protective towards the young girl. Social interaction was very limited.
Freedom of movement was restricted and friends were few. He was such a strict person. वो किसी को आने नहीं देते थे ना मुझे कहीं जाने नहीं देते थे तो वो आदत सी बन गई टू बी ऑल बाई वनसेल्फ. यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम लाइक दैट, यह उनका कहना. और छुट्टियों में बाकी बच्चे जब मामा के घर जाते हैं, चाचा के घर जाते हैं, जब टू बी विद अदर कजन्स एंड ऑल दैट, नथिंग वॉज अलाउड. एक बार स्कूल का एक्सकर्शन था, 5 रुपये की बात थी, स्कूल ले जा रहे थे तो जाने नहीं दिया. After her maiden solo performance in All India Radio at the age of 9, she started performing as a full-fledged artist all over the country. Azam and I have been friends these past 70 years. Even those days, Rajam was already a radio and stage artist. On days when she had the radio program, she would quietly skip the last hour of the school and go home to go to the radio station. I, for my part, would excitedly run home to listen to her program right from the announcement of her name. It had its own thrill those young days. Not a single day was without learning or practice. Except ye Saraswati Puja, ye Dashara ke samay, Daswan Naomi ke din, साउथ की प्रथा ये है, सरस्वती की पूजा के रूप में मनाते हैं. उस दिन जो है, वी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू दैट डे. सब किताब, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबको पूजा रूम में चंदन कुमकुम सब लगा करके पूजा करके रख देते थे, तो 24 आवर्स तक छूना नहीं है. तो वी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू दैट डे कि हम लोगों को एक दिन छुट्टी मिलेगी अभी करके. तो कॉन्सर्ट सुनने जाती थी तो वहाँ भी बड़े बड़े लोगों को दिग्गज लोगों को सुनते समय आके वो यही पूछते थे कि तुमको क्या मिला, व्हाट हैव यू एब्सॉर्ब्ड. म्यूज़िक को अभी भी मैं एंटरटेनमेंट की दृष्टि से नहीं सुनती हूँ. अभी भी वो आदत है, किसको भी सुनो मुझे क्या मिलेगा इसमें से. आई एम मोर ए स्टूडेंट दैन ए फुल फ्लेज्ड आर्टिस्ट इवन टूडे. Her father then put her under the tutelage of Vidwan Sri Musiri Subramania Iyer, a doyen of his time, from whom she learnt the finer nuances of Carnatic music. By the time Rajam was 14, she was accompanying Srimati M.S. Subbalakshmi in her concerts all over India. This was the time a major change was about to happen, a change that would transform the history of the violin in the world. Destiny brought to Rajam's way some musical recordings of Sangeet Martan Pandit Omkarnath Thakur. It made such an indelible impression in me ki maine socha ki, and it was so full of emotion. Itna bhavpurna gayaki tha. So I didn't understand a word of it. Kuch samajh mein bhi vishesh nahi aata, par something itna gehra impression tha. So then I decided I want to learn from this person. Guruji से मिलने गई तो मेरे साथ बातचीत वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा तुम कॉलेज में अगले हफ्ता बजाओगी. तो मैंने कहा बजाऊंगी. तो अगले हफ्ते मैं जा गई. सुबह का प्रेयर के बाद वहाँ समय था, प्रेयर के बाद तो मैंने सुबह का समय था, राग तोड़ी बजाया, आधा घंटा बजाया. मेरे बजाने के बाद तुरंत वो उठ के एक लंबा भाषण दिया सब लोगों को कि ये है एकलव्य, ऐसा उन्होंने कहा. उन्होंने और भी जो जो बातें कही मुझे उतने तो समझ में नहीं आई, हिंदी की उतनी जानकारी नहीं थी. खैर अब मुझे यानी I was never allowed to go out of the house and mingle with people, talk to people. इसीलिए मैं अच्छा बजा रही हूँ या अच्छा बजाने लायक हूँ, I am a talented player, इसका भनक भी नहीं था मुझ में. Challenges make a person stronger, and young Rajam had her fair share of difficulties. स्टेनोग्राफी और टाइपराइटिंग मैंने इसीलिए सीखा ताकि मुझे किसी ऑफिस में एक क्लर्क की जॉब मिल जाएगी, ताकि सुविधा रहेगी
इसीलिए मैं कितने इंटरव्यू के लिए गई थी लोगों, जबकि मैं बोलना नहीं जाती थी, लोगों से कैसे मिलना है ये सब भी कुछ आती नहीं थी, क्योंकि घर से निकलने का परमिशन ही नहीं है, तो ये सारी बातें कैसे आएगी। एनीवे गई तो हर जगह वो लोग मेरी मुझसे बात करने के बाद, यू आर टू यंग फॉर ए जॉब नाउ, यू शुड फिनिश योर स्टडीज़, ऐसा कुछ ना कुछ कह करके मुझे वापस भेज देते। इने वे इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। अगर उस समय मुझे एक नौकरी सेनोग्राफर की मिल जाती तो आई माइट नॉट हैव परसूड वायलिन सीरियसली एंड देन एंडेड अप इन अ डिफरेंट वे। इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद जब चेन्नई नहीं जा करके वी केम टू बॉम्बे टू सेटल डाउन देयर, मेन पर्पज वॉज दैट आई वुड बी एबल टू लर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक एट इट्स हेड क्वार्टर्स। तो यहाँ एकदम फिर से शुरू करना था, कैसे कहाँ रहें, कैसे रहें, गुजारा कैसा चलेगा। तो हम लोगों को हमारे एक अंकल ने एक चाल दिलाया था, एक चाल में एक कमरा विद ए स्मॉल किचन, अटैच किचन, कॉमन बाथरूम, देयर वेयर 24 फैमिलीज फॉर 2 बाथरूम्स। तो उस समय हम और पिताजी ने क्या किया कि क्लासेस शुरू किया, इसी तरह हमारा गुजारा चला। पहले महीने में वी गॉट 100 रुपीज़ एंड दैट वाज इनफ फॉर द एंटायर मंथ्स एक्सपेंसेस। दिस वाज इन 1954-55, 56 something. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். அண்டு ரெண்டு பேரும் பாவாடை மேலத்தில், ஒரு அவசரம் பேசினா போதும், ஷி உட் புட் த வயலின் டவுன் அண்ட் ஷி சேட் அப், யூ ஹாவ் நாட் ப்ராக்டிஸ், எனக்கு ஒன்றாக உனக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. அடுத்த கிளாஸ்க்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தான் போவேன், இருந்தாலும் ராஜத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு சப்தம் நாடி ஒடுங்கிடும். தென் மேரி அப்பாயின்மெண்ட் வி 1959. ஃபிர் வி 40 साल की यात्रा शुरू, मेरी कर्मभूमि बनी बनारस। वाराणसी हैज प्लेड ए मेजर पार्ट इन शेपिंग मी अप इन माय करियर। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल द स्टैलवर्ड्स ऑफ माय टाइम्स हियर, जैसे कि पंडित किशन महाराज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब तो है ही, और गिरजा देवी जी और पंडित महादेव प्रसाद जी मिश्र। आई हैड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न बनारसी ठुमरी फ्रॉम द ग्रेट मास्टर पंडित महादेव मिश्र। ही यूज्ड टू कम टू माय प्लेस, इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अभी ये हम लोग जो नाव में सैर कर रहे हैं ना, ये जो नाव में सैर कर रहे हैं, मुझे पुरानी यादें आ रही हैं। मेरे समय में जो है यहाँ कार्यक्रम होते थे बजड़े पे, उस वो कार्यक्रम इट वाज नेवर सोलो रिसाइटल किसी का, 5-6 कलाकार बैठते हैं। एक बार मुझे याद है खान साहब थे, बिस्मिल्लाह खान साहब, फिर किशन महाराज जी थे और गिरजा देवी जी थी और बागेश्वरी देवी जी वो भी थी, वो भी अच्छी गायिका रही, और वायलिन में मैं थी साथ। तो क्या करते हैं, एक जो रचना ले लेते हैं, अन विशेष पर्व होते हैं तो प्रत्येक पर्व के लिए अलग अलग रचना है, तो रचना लेकर के मुखड़ा लेकर के फिर कलाकार जो लोग हैं अपनी उपज अलग अलग करते हैं, फिर मुखड़े पर जब आते हैं सब एक साथ हो, पहले वो बारी उनकी बारी फिर इनकी बारी करके बहुत, और सब चोटी के कलाकार थे, तो यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक इट वुड हैव बीन। उनके मनाए मनाए रे मनाए बिना मैं साजन मिश्रा डॉक्टर एन राजम जी के लिए
हृदय में इतना भाव है वो हमारे बनारस की ही कहलाती रही जब तक यहाँ थी वो, और ऐसा बनारसी अंग का गायन वादन दोनों उन्होंने किया है कि जो कि सारे विश्व में उनके नाम से जाना जाता है कि गायकी अंग जैसा राजम जी ने बजाया वैसा बहुत कम लोग बजा पाए हैं। अब मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पिताजी और चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी, पंडित हनुमान मिश्रा जी की वजह से, और हम लोगों को भी वो बहुत ही प्यार करती थे। Dr. Rajam got married to Sri T.S. Subramaniam, a chartered accountant by profession. He and his parents, Mr. T.S. Swaminathan and Padma Swaminathan, wholeheartedly supported as well as appreciated her music. And later, Rajam and Subramaniam gave birth to their daughter, Sangeeta. The whole family of three traveled together across the globe for concerts. Dr. Rajam's concerts all around the world are known for her perfection, impeccable adherence to classical purity and precision of notes, crystal clarity of tones, superb bowing, melodious and aesthetic improvisations, creating a sublime atmosphere for her audience. Kashi Hindu Vishwa Vidyalaya became her karma kshetra. She joined the Department of Music as a lecturer and went on to become a professor and dean. Till this date, she continues to be an emeritus professor at the BHU, a status given to a chosen few. इतनी बड़ी पोस्ट में रहने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि वायलिन छोड़ दिया अब तो क्या है, हम तो बहुत बड़े हैं ना। वायलिन इनका हमेशा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते गया। अच्छा एक बात है, इनको सिखाने का बहुत अच्छा शौक है, और शौक ही नहीं है, सिखाती भी बहुत अच्छी है। इनके शिष्य लोग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। Her prime success is her illustrious daughter, Dr. Sangeeta Shankar, who has been performing across the globe. She's not only an exemplary musician, but also an entrepreneur and a visionary educationist. When I was very young, at that time, you know, I had a dual relationship with her, one of a mother and one of a very strict guru. So it was always like, you know, that I could always depend on her for anything and everything, like all children usually do. But at the same time, I could never tell Ma, get me a glass of water. It was like that. So there's an element of respect, underlying respect, along with the love of the mother and a child. So she's been very, very caring, very loving. All mothers are. And like almost every mother, she made sure that I did everything that she couldn't do in her childhood. She wanted me to be independent,
She made sure that I learned swimming, I learned cycling, I learned driving, I did every martial arts, call it, name it, I did everything. And she made, she was very, very happy with all that. ये वाद्य जो है वायलिन, इसमें इस समय दो शैलियाँ बजाई जाती हैं. एक है गतकारी शैली, दूसरी है गायकी शैली. अब गतकारी शैली क्या है, इसके बारे में संक्षेप में बोलूँगी. आप लोगों ने सुना होगा सितार है, सरोद है, इस तरह प्लक्ड इंस्ट्रूमेंट. प्लक्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक बार हम ऐसा करके छोड़ देते हैं तो आवाज़ समाप्त हो जाती है कुछ सेकंड में. इनको प्लक्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सितार सरोद. इसमें जो शैली है, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है, इसीलिए गतकारी शैली ही उस पर अच्छी तरह निखरती है. दूसरी शैली है गायकी, जैसे गले से निकलता है बातें, उसी तरह बजाने की कोशिश करते हैं तो उसे गायकी कहते हैं. उसके लिए जो है ये वायलिन वाद्य, इसमें हम एक बार वो चलाते हैं तो लगातार ध्वनि आती है. देखिए, यही अगर प्लक्ड इंस्ट्रूमेंट में एक बार ऐसा कहेंगे तो समाप्त हो जाता है थोड़ी देर में. अब मैं गतकारी शैली में एक बंदिश ले लेती हूँ, उसको बजाती हूँ, सुनिएगा, फिर उसी बंदिश को गायकी शैली में बजाऊंगी. राग मियांमल्लार आप लोगों ने सुनाई होगा. अब सुनिए गायकी शैली में, जिसे गायक लोग गाते हैं. सेकेंड लाइन गतकारी, थर्ड लाइन, अब तीनों लाइन मैं गायकी ढंग से बजाऊंगी. कह रही थी आलाप थोड़ा सा हुआ आला. अब थोड़ा सा तान देखिएगा, कतकारी शैली में तान देखिएगा.
इसी को आप गायकी शैली। Adorned with many awards, including the Padma Shri, Padma Bhushan, and the Sangeet Natak Academy Fellowship, she has dedicated her life to music. Her duets with Ustad Bismillah Khan and her brother Padma Bhushan Professor T.N. Krishnan were a treat to music lovers. The whole family is blessed with the art of violin playing, including her brother Narayan Ganesh, her nephews and nieces, Kala Ramnath, Vijay Krishnan, Sri Ram Krishnan, Ram Narayan, and Indra Ramani. As a child, my aunt was my idol. I wanted to play like her, look like her, speak like her, dress like her, and be everything that she stood for. She has taught us how to live with dignity and decorum on and off stage. और मैं इतना excited हो गया एक कार्यक्रम सुनने के बाद और मैं चाचा को बोला अगर मुझे सीखना है तो इनसे सीखना। My journey with her started time in 1978 when I was 14 year old kid living in Central India. That's when I got attracted to her violin playing. ये गायकी स्टाइल कहीं मतलब इस तरह का पूरे भारत में नहीं है which I wanted to learn from her. इनके साथ 10 साल का बहुत अच्छा जर्नी रहा. उनका जो पर्सनैलिटी है उस आते ही हमको लग रहा है कि वायलिन खाली रियाज करना है. अगर इस जन्म में नहीं होगा अगले जन्म में भी हो सकता है। One incident I can never ever forget is I was accompanying her to one of her concerts. We were in a train traveling someplace and our co-passenger recognized who she was and you know they just happened to ask कि ये आपका लड़का है क्या? आपका बेटा है क्या? So she just looked at me and a smile on her face and she said, बेटे जैसा ही है, बेटा ही है समझ लीजिए। अम्मा जी's music is beyond my expression. Her music slowly swallows us and spreads in us an unknown spiritual power. Listening itself is a joy and it is a meditation. बहुत बार मुझे तो ऐसा लगा है अम्मा जी के म्यूजिक सुन के मेरा जन्म सार्थक हुआ है। छोटा से छोटा चीज भी बजाओ हर वक्त सुर देख के बजाओ जो डिस्कस करते थे साथ बैठ के सब स्टूडेंट के साथ आप जो डिस्कस करते थे बातें करते थे संगीत सुनते थे वो बहुत मिस करता हूँ और उसके साथ साथ और एक चीज मिस करता हूँ आपका डांट गाने बजाने के लिए कम बट मेरा
बदमाशीपन के लिए आपसे बहुत डांट मिला, जिसके लिए मैं थोड़ा सा सुधर गया। हुबली और पुणे दोनों जगह गुरुकुल में अम्मा जी ने हम लोग के लिए नियम बनाया था कि क्लास के अलावा मिनिमम 4 घंटे रियाज करने हैं सभी को, सारे शिष्यों को 4 घंटे मिनिमम रियाज करने हैं एक्सक्लूडिंग द क्लास टाइम। तो ये जब अम्मा जी बोल के चली जाती थी तो ये हम लोग की ईमानदारी थी अपने गुरु के लिए कि हम लोग सोते नहीं थे रात में जब तक उस दिन का 4 घंटे का रियाज हम लोग का पूरा नहीं होता था। और उनका भी हम लोग के ऊपर एक विश्वास था कि मैंने कहा है अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से, तो वो 4 घंटे करेंगे ही करेंगे रियाज। I learned from her closely during that time, but also was in many ways absorbed into the household as a member of the family. So, you know, and on a few occasions, getting some cooking lessons from Amaji in my favorite South Indian dishes. मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो अम्मा जी के सानिध्य में रहने का बरसों मौका मिला। उनकी संगीत तो जग जाहिर है, उनकी जो भाषा पर पकड़ है वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तमिल हो या संस्कृत हो, बहुत ही अच्छा पकड़ है। वो जो दैनिक कार्यों में जो मैनेजमेंट स्किल उनका है, जो परफेक्शन है, बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा महसूस किया कि ऊपर वाले जिनको प्रतिभा देते हैं वो सारे कामों में उनका परफेक्शन दिखाई देता है, उनके बोलने में, काम करने में, स्वभाव में सब में परफेक्शन दिखाई देता है। लर्निंग फ्रॉम अमाजी रियली डिड चेंज माय लाइफ। आई हैव नेवर मेट एनीवन एल्स लाइक हर। हर डेप्थ ऑफ लव ऑफ म्यूजिक जस्ट रेडिएट्स आउटवर्ड्स एंड शी इज सच अ जेनरस टीचर। आई फील लाइक ईच लेसन आई एम बीइंग शोन अ स्टेपिंग स्टोन ऑन द पाथ टुवर्ड्स ग्रेटर ब्यूटी। And each time I hear even a single note from her violin, I know that this path is endless. She has been a friend, philosopher, and guide to many. But for me, Ammaji is like goddess, Ma Saraswati. So one instrument I recently I made, ab mere Guruji ke naam ko main dedicate karke samarpit kiya hoon, that is Rajam Bela. She found a worthy son-in-law in Shankar Devraj, a chemical engineer, ghazal singer, and businessman. I can't say enough about the role that she's played in shaping our family, bringing up my 2 children, Ragini and Nandini, and also being my greatest cheerleader in terms of my own ability to sing. For the highly decorated citizen that she is, she's incredibly simple, very, very humble. I'm very, very grateful for Amma's presence in our life and for bringing forth to me her most precious asset, Sangeeta. He totally supported her endeavor in taking the legacy forward through her daughter, Dr. Sangeeta Shankar, and granddaughters, Ragini and Nandini Shankar. Dr. Rajam basks in the love showered by her daughter and granddaughters. A worthy addition to the family is grandson-in-law Mahesh Raghavan, famous for his music on the iPad. My 2 children, Ragini and Nandini, were very small. Every day the children would go to her house and then to school. I still remember the time from childhood when we would actually travel an hour away from home. We chose a school which was near her house so that we could go learn from her after school. So we used to have long days, but we used to enjoy going to her place and just talking for half an hour, 45 minutes, 1 hour.
A lot of people don't know, but she has an amazing sense of humor. Making a lot of jokes and making sure that everyone is happy and has a smile on their face. One thing that I can really resonate with her is the fact that she loves sweets and crunchy snacks, and I know all those weak spots and how to make her happy. And whenever we get her something, it's finished within a very short span of time. So that's something me and her can really relate to. So Ammaji as a person is very jovial to be around. But as a teacher, she is extremely strict. Strict teacher. She was very, very particular in terms of practice for us right from childhood. That level of depth, expression and perfection and perception. The perfection that she has taught is of such a high level. It is something that's really, really rare. I'm ever thankful to her for teaching us, teaching me that a vidya that can be passed on to generations. A long, successful journey culminates in the establishment of a magnificent musical tradition. Bringing pride to India while taking her precious cultural treasures to all corners of the world. Dr. Rajam is a great personality who teaches through her actions, inspires through her music, and is idolized by countless people throughout the world. T.N. Krishnan Rajam, Ivalgala Nanarya Vachirkan. Rajam Mami's music has been the window through which we even engaged and connected with Hindustani music. We grew up idolizing her. From the way she sat on stage, that commanding presence, the way she held her bow, the angle in which that everything was so perfect, so elegant. In fact, I should say that I used to shamelessly copy her. It was not only her music, but also the various anecdotes that our father shared with us through our, you know, formative years that has had a lasting impression on us. We came together because of my daughters, Ranjini and Gayatri. What impressed me the most was Dr. Rajam's vocalized or the Gayaki Ang presentation of the concert, and the modulation, the smoothness, and the bowing technique, they were all absolutely great. I used to treat her like my sister. Genuine affection, admiration, and the way she came up without any support from anybody. कि वायलिन में खुद मुझे अनुभव है बजाने का थोड़ा बहुत कि उसमें कोई मार्किंग नहीं होता सिर्फ कान से सुनकर स्वरों का निर्माण किया जाता है और उसमें जरा से भी अगर इधर उधर हाथ की गड़बड़ हो गई तो बेसुरा हो जाता है तो वो इतना मुश्किल हो जाता है उसको साधना और कंट्रोल करना और जो बोइंग है और एक जो साउंड मॉड्यूलेशन होता है वॉल्यूम कंट्रोल इतना अपीलिंग लगता था कि वॉयलिन पे ये सब कुछ हो सकता है बहुत प्रेरणा मुझे मिली और जब भी मैं उनसे मिलता था तो मुझे लगता था कि इतनी बड़े कलाकार होने के बावजूद भी इतना सरल हृदय और हमेशा मुस्कुराहट चेहरे पर रहती है उनके Her life was very, very tough. She made it from the beginning. She's a fighter. A silent fighter is what I would call her. She has been a pioneer. She has been an icon. She has been a role model. She's so driven. She's so full of life. She's full of energy. She's definitely something else.